नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य के कांटे शुरू कराने के आदेश दिए गए थे। चिनोर खरीद केंद्र पर इटमा सोसाइटी का कांटा 17 अप्रैल से शुरू हो गया है। चिनोर सोसाइटी का अभी तक कांटा ही नहीं लगा है। पहले दिन 3 किसानों से 57 क्विंटल 50 किलो गेहूं की खरीदी की गई। दूसरे दिन अभी 4 किसानों की ट्रिलोली आई है, अभी तोल कराई जा रही है। सभी पल्लेदारों की स्कैनिंग कराने के बाद ही तोल शुरू की गई। रोजाना 20 किसानों को 10 से 50 क्विंटल तक के SMS आ रहे हैं, उन्हीं किसानों की तोल कराई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दीपक सेन, पिताजी का नाम रामदास सेन। मैं इटमा सोसाइटी पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ। हमने ये गेहूँ खरीदी का कांटा 15 को ही चालू कर दिया था, लेकिन शुभारम्भ इसका कल से हुआ है। तहसीलदार महोदय जी आए थे, उनने यहाँ कांटे बांटे चेक करके ट्रॉलियाँ कोई SMS देख के अपने सामने खरीदी चालू करवाई, और मेडिकल टीम आई थी, उनने सभी की स्कैनिंग की, सभी को उनका सर्टिफिकेट दिया कि आप फिट हो, और जो अनफिट थे उनको निकाल दिया गया है। तो कार चालू है, SMS वालों को हमने फ़ोन कर दिया था कल ही, अभी तक कोई किसान आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा हम उनकी तोल चालू कर देंगे।